ठीक है, तो देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर जो है हम ये पोटेंशियल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी वोल्ट में है या कोई और एनी स्केलर के लिए आप उसको डिफाइन कर सकते हो। आप एनी स्केलर है जैसे बी हो गया, टी हो गया, पाई हो गया, इस तरह से कोई भी स्केलर के लिए आप डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्पेस वेरिएशन जो हम क्या है जनरली एक सरफेस पे पोटेंशियल है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, स्केलर है, उस एज अ फंक्शन आप एक्स वाई जेड हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। बी जैसे फंक्शन आप एक्स वाई जेड और दैट इज कांस्टेंट ओवर सरफेस, ये सरफेस पे वो कांस्टेंट है, इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो होता है डेल वी बाय डेल एल होता है ना, तो इसका जो होता है वी का स्पेस वेरिएशन, स्पेस वेरिएशन, स्पेस वेरिएशन, डीवी बाय डीएल मतलब वी का स्पेस वेरिएशन होता है। ठीक है, और जब इसको डीवी बाय डेल एन करते हैं या डीवी बाय डीएन इसको जब लिखते हैं तो ये क्या होता है मैक्सिमम वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। तो ये जो होता है ये आपका नॉर्मल होता है, जैसे मैं सपोज है एक ऐसा इस तरह से एक सरफेस बनाया हूं, जैसे कि एक सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे v को अगर सम कांस्टेंट आपने अगर फंक्शन आप x y z ऐसे स्पेसिफाई किया सम कांस्टेंट c1। ठीक है, तो डेल v बाय डेल है इसका स्पेस वेरिएशन दिखाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है वो ये सपोज कोई पर्टिकुलर पॉइंट है सरफेस पे, तो ये जो है मैक्सिमम वेरिएशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग dv बाय dl ऐसा। तो dv बाय dl जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका दैट इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस। ये किधर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये जब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तभी होता है ना, तभी होता है, पूरा ऐसा एक सरफेस है। तो इसी को भी हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट वी, डेल वी, ग्रेडियंट वी। जब मैक्सिमम वेरिएशन हो वी का एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ये तभी होता है जब ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऐसा। तो ग्रेडियंट वी जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो ग्रेडियंट ऑफ वी कोई सब स्केलर फंक्शन है, ठीक है, तो इसको आप जो है ग्रेडियंट ऑफ वी तो क्या स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ वी, कोई स्केलर फंक्शन है मैक्सिमम वेरिएशन किधर होता है दैट इज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दैट इज इट स्पेसिफाई ग्रेडियंट वी। तो ग्रेडियंट वी बोलेंगे तो ये बोलेंगे एक इंक्रीजिंग वी की तरह पॉइंट आउट करता है, इंक्रीजिंग वी कहां मतलब इधर ऐसे इंक्रीज वी हो रहा है, इंक्रीजिंग वी ऊपर की तरफ ऐसा। ठीक है, तो ये जो होता है ग्रेडियंट वी जो है बेसिकली कोई भी पॉइंट में उस सरफेस पे जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हैं तो वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा, इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दैट विल बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसा। ठीक है, याद रखिए। तो अभी जैसे आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, आपने लिखा था ऐसा, कैसे लिखा इसको है ना, हमने कहा एक सरफेस है ऐसा सपोज बी इज हियर बी वन, एक दूसरा सरफेस ले लेते हैं जहां पे बी इज इक्वल टू बी टू है, जैसे पैरेलल पे एक कैपेसिटर है ना, भैया बी टू इज ग्रेटर देन बी वन, यहां एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पी लेंगे तो ये जाएगा मेरा ऐसा ग्रेडियंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा बी ऊपर से नीचे का ऐसा नेगेटिव ग्रेडियंट का पोटेंशियल, तो दोनों का डायरेक्शन अलग रहेगा बिकॉज हियर E is represented as negative gradient of potential. ये ऊपर की तरफ रहेगा, E मेरा नीचे की तरफ रहेगा, opposite direction में रहेगा। ठीक है, तो ये है gradient B, है ना gradient B। तो क्या direct surface का normal direction निकालने के लिए use होता है। Particular कोई point, base point के जैसे हम gradient निकाल रहे हैं, तो उस surface के perpendicular उस point का हमको normal vector मिलेगा, ऐसा gradient B। तो E is the negative gradient of potential इसीलिए लिखते हैं, because V2 से नीचे की तरफ V1 में V2 ग्रेटर देन V1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉइंट आउट करेगा, लेकिन जो ग्रेडियंट भी है वो लोअर टू हायर साइड रहता है। इस तरह से अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखे हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रहेगा और ग्रेडियंट भी ऊपर की तरफ रहेगा ऐसा।
तो इस तरह से हम इसको E as a negative gradient का potential इसको define करते हैं, ठीक है? तो आप याद रखिएगा dV by dN जो है, it's nothing but dV by dN जो space variation हो रहा था, इसकी maximum value था, बोल सकते हैं, ठीक है? Maximum value. और electric field क्या है? It's nothing but gradient dV by dN है, so इसका जो है mod value का बोल सकते हैं, electric, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इसका मैग्नेटिव निकालें, सो इट्स नथिंग बट dV by dN ऐसा, इलेक्ट्रिक नथिंग बट dV by dN ऐसा मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मैग्नेटिव वैल्यू, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इसका जो मैग्नेटिव निकालना चाहिए, ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन राइट एज आल्सो लाइक दिस, दैट इज माइनस हाफ रेडिएट v, सो यू कैन राइट एज दैट इज dV by dN ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, एंड इट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट माइनस dV by dN is maximum value. ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो इसको. But यहाँ पे क्या है, जब कभी भी हम इस तरह से लिखते हो तो ये आपको यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा ऐसा a a में, ठीक है? So this is the way to find out electric field and you write gradient v. तो ये हो गया gradient का, है ना? Gradient का. ग्रेडियंट का, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट क्या है? पहला फर्स्ट है, ये जो है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना? क्या शो करता है प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रेडियंट का, इट शोस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर v, जैसे v की बात कर रहे हैं, कोई अगर स्केलर है, फंक्शन है, कोई फंक्शन है, सो इट शोस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर v, है ना? एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है. और दूसरी जो चीज है, दूसरा जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव यू कैन डिफाइन, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग, एक बार डेट में आ चुका है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और एक यूनिट वेक्टर भी है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लीजिए. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग यूनिट वेक्टर a वेक्टर इज गिवन एज, जो ग्रेडियंट निकाले हैं v, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं a वेक्टर के साथ, ये कहलाता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव along unit vector, directional derivative of v, है ना? directional derivative, तो gradient v इसका dot scalar projection, ठीक है? so this is called a directional derivative, ये आप याद रखते हैं इसको, directional derivative, ठीक है? and ये तो लिख दिया, perpendicular to surface होता है, याद आ रहा है, जैसे भी लिख सकते हो, that is the del v is perpendicular to surface, ये तीन properties है, इसको आप याद रखिएगा gradient का, ठीक है? right, it specifies maximum rate of change of scalar function v, है ना? potential है उसका maximum variation, right? maximum variation किधर होता है? perpendicular to surface, so इसलिए वो it points towards perpendicular direction of surface, so surface पे perpendicular होता है, इसीलिए जो parallel plate capacitor लेते हैं हम लोग, है ना? तो जो electric field है वो उसके perpendicular होता है plate पे, because gradient is written as gradient, negative gradient. तो हायर टू लोअर पोटेंशियल साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. तो ये होगा, दिस इज अबाउट ग्रेडियंट. अब इसको आपको पता होना चाहिए, इसको जो डेल ऑपरेटर है ग्रेडियंट है, उसको कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो ग्रेडियंट वी कैसे लिख रहा हूं, सो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो फर्स्ट माइन राइटिंग इन कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है? कार्टेशियन में लिखने जा रहा हूं, सो डेल वी यू राइट इट एज डेल वी बाय डेल एक्स, इन एक्स प्लस dv by del y ay
प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ई या से नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मैं लिखता हूं, है ना। तो वी जो है मुझे कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल में, स्फेरिकल में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ई निकाल दीजिए। तो उस समय आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन में। सेकंड जो है सिलिंड्रिकल में, जब आप इसको लिखोगे ग्रेडियंट वी, तो इसको लिखते हैं वन डेल बाई डेल रो ए रो प्लस वन अपॉन रो डेल बाई डेल फाई ए फाई प्लस डेल बाई डेल जे ए जे। तो भी लगा तो भी लगा दीजिए यहाँ पे आंसर। तो डेल बी बाई डेल रो ए रो प्लस वन अपॉन रो डेल बी बाई डेल फाई ए फाई प्लस डेल बी बाई डेल जे ए जे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट वी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। नाउ थर्ड, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट वी इज रिटन एज डेल वी बाय डेल आर ए आर, जो डी आर रहता है ना, डी आर आर, जैसे इसमें क्या होता है डी एच डी बाई डी जेड बनता है, तो सब नीचे आ जाता है। डेल वी बाय डेल डेल वी बाय डेल बाय डेल वी बाय डेल, इसी तरह डी रो रो डी बाय डी जेड बनता है, तो वो डिनोमिनेटर में आते जाते हैं, डेल बाय डेल रो डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल जेड ऐसा, ठीक है। यहां पे क्या रहता है डी आर रहता है, तो डेल वी बाय डेल आर आर प्लस फिर आर डी थीटा होता है, तो 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा ए थीटा आर थीटा, फिर फाइव कंपोनेंट भी होता है इसमें, तो प्लस 1 अपॉन आर sin थीटा d phi होता है, so that is what del v by del phi k phi, इस तरह से। so इस तरह से gradient v हम लिखते हैं, ठीक है, gradient v लिखते हैं, ठीक है, clear है, so this is the gradient। यहीं से ही एक और है, जो है हम first unit में आप देखेंगे Laplacian operator और Poisson equation लिखा हुआ है, उसको भी एक हम define कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट है पॉइजन से लाप्लास इक्वेशन, ये भी गेट में आ बनते हैं इससे क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पॉइजन से लाप्लास इक्वेशन पे। तो पॉइजन से लाप्लास इक्वेशन है ना, इसको मैं बोलता हूं दिस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला जाता है पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। और जब डेल वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो तो इसको कहा जाता है लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इज जीरो देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास एंड पॉइजन से। कहां से आया ये, इसको डिराइव करके हम लोग गॉस लॉ से, जैसे हमने क्या किया था टी वेक्टर है दिस इज गॉस लॉ है ना, इसको हमने डिराइव किया था, दैट इज द पॉइंट फॉर्म है डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो वी, आप देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो डी क्या लिखते हो आप, अगर कोई मीडियम है डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो डी इज एप्सिलॉन ही लिखते हो, मैं आप लिख दीजिए, तो डाइवर्जेंस ही आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। रो वी ये एयर में लिखे हैं, अदरवाइज कोई मीडियम हो तो एप्सिलॉन करके लिखेंगे, दिस इज इन एयर, ठीक है, एयर या वैक्यूम बोल सकते हो। तो ये आ गया। Now, what is electric field? अभी हमने पढ़ा था electric field is written as negative gradient of potential. So you write here del V. So that is del dot I. फिर negative del V that is equal to rho V upon epsilon ऐसा. Minus बाहर निकाल लीजिए and del dot del simply del square होता है. तो ये आप simple ऐसे लिखते हो del square V that is minus rho V upon epsilon ऐसा. So this is called Poisson's equation. उसका डेरिवेशन हो गया। तो मार्क का क्वेश्चन आता है ज्यादा सर, है ना, गेट वगैरह में चार इक्वेशन लिख देंगे, पॉइजन इक्वेशन कौन सा ऐसा पूछा जाएगा, तो यू कैन राइट, ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशन हो गया, ठीक है, पॉइजन इक्वेशन। नाउ इफ इट इज अ सोर्स फ्री, सोर्स फ्री रीजन में, इन ए सोर्स फ्री रीजन जहां पे वॉल्यूम चार्जेस नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, जहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, वेयर रो वी इज जीरो, है ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, है ना, इसका सिग्निफिकेंस है, लाप्लास इक्वेशन का सिग्निफिकेंस आ जाता है कभी कभी, लाप्लास इक्वेशन का सिग्निफिकेंस। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो,
पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो और दूसरा कैपेसिटेंस वगैरह भी निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस अरे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए हैं ठीक है, तो बीच में दोनों प्लेट के बीच डिफरेंस क्या है पोटेंशियल वो आप निकाल सकते हैं। कोई भी किसी पर्टिकुलर लाइन में पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर अंदर बीच में। और आप जो है कैपेसिटेंस जो फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटेंस जो फॉर्म हो रहा है दो पैरेलल प्लेट के बीच में वो भी निकाल सकते हो। तो पैरेलल प्लेट नहीं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो इससे ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये सब चीजें जो है आप निकाल सकते हो। सोर्स फ्री रीजन में है इसका एप्लीकेशन होता है, बट अभी अपना जो है उतना रखे नहीं है इसमें, इसलिए अभी अपने को ज्यादा देखना नहीं है। बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है और पॉइजन इक्वेशन क्या होता है। कई बार ऐसा भी एज ए फंक्शन आप एफ एक्स वाई जेड दे देते हैं तो वो पूछता है कि वेदर इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन आर नॉट, उनको डेल स्क्वायर भी निकालना पड़ता है ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर बी जो है आप, मैं इसको भी अलग अलग क्वाड्रेंट सिस्टम में बता देता हूँ उसको कैसे लिखते हैं डेल स्क्वायर बी को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बी दे दिया रहेगा फंक्शन आप एक्स वाई जेड या रो फाई जेड या आर थीटा फाई बी आज तक, जैसे कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर दे दिया, क्वेश्चन आ गया v इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ठीक है, या 50 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, क्वेश्चन आ जाएगा वेदर इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन ऑफ नॉट, तो उनको क्या डेल स्क्वायर v निकालना पड़ेगा उसका ठीक है। अगर वो जीरो आएगा तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता बोले, अगर नहीं आया तो नहीं करता बोलेंगे ऐसा। तो इसलिए डेल स्क्वायर v की वैल्यू अलग अलग पता होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग डेल स्क्वायर v, तो फर्स्ट में लिखने जा रहा हूं कार्टेशियन में है ना, कार्टेशियन में। तो डेल स्क्वायर v की वैल्यू कार्टेशियन में लिखोगे तो डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर ऐसा सिंपली लिखोगे है ना। अब इसको आते हैं सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल में जब लिखोगे तो डेल स्क्वायर वी है ना रो बाय डेल होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 बाय रो डेल बाय डेल रो, रो डेल वी बाय डेल रो ऐसा करते हैं, सॉरी हां डेल वी बाय डेल रो ऐसा 1 बाय रो डेल बाय डेल रो, मतलब रो के रेस्पेक्ट में पूरा रो डेल वी बाय डेल रो का, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर हो जाता है ना, सेकंड ऑर्डर हो जाता है डाइवर्जेंस में सिंगल ऑर्डर होता है ठीक है। तो ये हो गया दिस वन रो टर्म और फाइ टर्म में 1 अपॉन रो स्क्वायर डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल फाइ स्क्वायर, क्या आ गया फाइ टर्म और जे टर्म दैट इज प्लस डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल जे स्क्वायर, ये आ गया रो फाइ जेड है ना। और इसको जैसे हम लिखते हैं स्फेरिकल में, स्फेरिकल में सो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल आर फिर आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर ऐसे लिखते हैं प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर यहां पे डेल बाय डेल थीटा, फिर यहां पे साइन थीटा करके डेल वी बाय डेल थीटा ऐसे लिखते हैं। ये तरीका होता है, इससे इजी कैलकुलेट होता है। प्लस एक ये हो गया थीटा कंपोनेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर डेल टू वी डिवाइडेड बाय डेल फाइ, ये फाइ स्क्वायर कंपोनेंट ऐसा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या जो है डेल स्क्वायर वी को लिखना है ना, क्योंकि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उस केस में हम लोग कार्टेशियन में वी अगर दिया है तो ये निकालेंगे, सिलेंड्रिकल में दिया है तो ये चेक करेंगे, स्फेरिकल में ये चेक करेंगे। अगर जीरो होता है तो बोलेंगे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कि जो है जो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा था दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस e वेक्टर डॉट dl वेक्टर है ना, दैट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसा dw डिवाइडेड बाय q वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक है। एंड bab आपने जो पढ़ा था दैट इज इक्वल टू माइनस bqt e का ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए मालूम था अपने को, r डिस्टेंस पर रखा तो कैसे लिखते थे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू ar यूनिट वेक्टर ar है ना।
तो उसको लिखते थे उसी तरीके से। तो अब क्या हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम देखने जा रहे हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन, सो है ना, हम देखते हैं। सो नेक्स्ट है फर्स्ट जो है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबको मालूम है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आता है ना, एक क्यू पॉइंट चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे क्या लिखते हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आप लिखते हो। लेकिन ये आया कहां से, उसको हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए और सरफेस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला अपन ने, ई जो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एआर डायरेक्शन, है ना। और लाइन चार्ज के लिए इनफाइनाइट हो तो रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो ए रो, ए रो डायरेक्शन होता है सिलिंड्रिकल क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर सरफेस चार्ज है तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट चार्ज हो, ठीक है, और डायरेक्शन होता था नॉर्मल टू सरफेस। तो अब पोटेंशियल को निकालना है, पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, अब उसी में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालिए करके आता है, ठीक है। एक लाइन पॉइंट चार्ज दिया हो, एक लाइन चार्ज दिया हो, फिर एक सरफेस चार्ज दिया हो, ठीक है, तीनों अलग अलग जगह पे रखे हैं, दो पॉइंट दिया रहेगा, उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ड्यू टू ऑल दिस थ्री चार्जेस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, डिफरेंस सरफेस चार्ज लाइन चार्ज, ऐसा तो वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है ना, एक कोई पॉइंट चार्ज दिया है ऐसा, ये जो क्यू चार्ज है प्लस यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है स्मॉल आर कैपिटल आर, जैसे भी लेना हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है इस तरह से। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखो गया ये हमको डिफाइन करना है ना। तो आप सबको मालूम है वी जो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आप लिखते हो है ना, लिखते हो, ये आया कैसे, दैट वी वांट टू कैलकुलेट इट, ठीक है। सो वी जो है दो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लिखते हैं, दैट इज माइनस बी टू ए इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिखते हैं ऐसा, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, तो सबसे पहले हम आर वर्क जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज का कूलम क्लासेस अपन ने पढ़ा ही होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर होता है ना, यूनिट वेक्टर, ये इधर यूनिट वेक्टर होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे डिग्री का, ठीक है। सो ई वेक्टर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डीएल वेक्टर क्या लिखते हो आप, डीएल वेक्टर पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस r sin theta d phi a phi ऐसा पूरा लिखते हैं। लेकिन देखिएगा e का ar डायरेक्शन में है, तो dl वेक्टर का अगर आप लोग ar dot a theta तो जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे काट प्रोडक्ट होता है ना। तो अल्टीमेटली आप यहां पे जब पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो ये वाले एक्सप्रेशन लिख देता हूं, मतलब ये कह रहा है ये कोई पॉइंट d है यहां से ऐसा, ये कोई पॉइंट b है, ये तो हमने लिख दिया यहां पे, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो, ये सपोज कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो बी से ए जाने के लिए, तो ये सपोज आर बी है और ये आर ए है, यहां से यहां तक लेंथ कितना है और यहां से आर बी लेंथ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना पड़ेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हमने बी पॉइंट कहां पे है, आर बी डिस्टेंस पे और ये आर ए डिस्टेंस पे, ऐसा बी की वैल्यू लिखा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर डॉट रहेगा डीएल वेक्टर, अगर ये पूरा लिखोगे भी है ना, तो ये ए आर डॉट ए थीटा जीरो ये हो जाएगा, मतलब मेरा सिंपली डी आर ए आर वाला पार्ट ही रहेगा ऐसा, तो ए आर डॉट ए आर वन हो जाता है, तो आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हो, सो नथिंग बट दैट इज डी आर ऐसा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया आपका आर बी से आर ए लिमिट हो गया, एंड दैट इज आर टू द पावर माइनस टू डी। तो देखिएगा ये हम है लगभग आपने कैलकुलेट कर लिया और विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये आ गया इसको वी ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एयर में निकाल रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे हम एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं या वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। So VAB is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught, and this is what
क्या हो जाता है ये, दैट इज माइनस आर टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन बाय माइनस वन बाय आर आता है ऐसा। तो ये आ गया आर बी से लेके आर ए तक, सो वी ए बी दैट इज वी ए माइनस बी बी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो ए और बी जो दो पॉइंट है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। जनरली आप याद रखिएगा पोटेंशियल हमको डिफाइन नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तक कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट पे नहीं मालूम हो। हम लोग क्या करते हैं रेफरेंस पॉइंट जो है इनफाइनाइट लेते हैं और वहां पे पोटेंशियल जीरो अज्यूम करते हैं, तब जाके हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन कर पाते हैं, अदरवाइज वी कैनॉट डिफाइन पोटेंशियल है ना। हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हो आप, रेफरेंस में मालूम होना चाहिए तब जाके आप एक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज वी विल डिफाइन ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब लिमिट रख दीजिए है ना, तो यह आता है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी प्लस। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल ये याद रखना है इसको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस इज ड्यू टू व्हाट पॉइंट चार्जेस है ना, ये क्या है ड्यू टू पॉइंट चार्ज नॉट अदर चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए। So this is potential difference due to point charge, remember इस तरह से लिखोगे ठीक है, क्योंकि आपने लिखा q upon 4 pi epsilon 0 1 upon r a minus 1 upon r b। now suppose जो b point है at infinite है, infinite infinity पे है ठीक है, मतलब what r b is at infinity location, b point जो है location है ठीक है, तो r b तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है dv दैट इज जीरो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सो va इज इक्वल टू इनफाइनाइट करोगे तो बेटा जीरो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट सो दैट इज जीरो। सो ये आ जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r a ऐसा। तो ये कोई चार्ज है प्लस q तो r a डिस्टेंस पे आपने पोटेंशियल डिफाइन किया ऐसा, कब डिफाइन किया जब r b आपका इनफाइनाइट है और वहां पे पोटेंशियल जीरो है। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो हम जो है अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए डिफाइन करना है, तो क्या हो गया है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज व्हाट क्या है पोटेंशियल एट ए आर ए क्या है ना, क्या लिखोगे आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हम डिफाइन करते हैं ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफाइन करने आ चुका है क्वेश्चन में, व्हाट इज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने भी आया है ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करना हो तो आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट है ना, बी टू ए ऐसा बोलेंगे। और लेकिन अगर पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, तो दैट पॉइंट पे पोटेंशियल आप डिफाइन करेंगे ऐसा। तो ये कंडीशन होता है जो लिखते हो आप अंडर व्हाट व्हेन आरबी इज इनफाइनाइट एंड उस जो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल है जीरो होता है, तब जाके आप ऐसा पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हैं। So remember, so this is the point charge. So point charge के कारण r distance पे आप ऐसा लिखें। And remember, this is the scalar quantity. तो यहाँ पे कोई direction, unit vector वगैरह नहीं आएगा। Simple it's a scalar distance है। ठीक है, तो याद रखिए आप उसको। तो in general इसलिए हम लोग लिख देते हैं ऐसा कि point charge के कारण जो r distance पर आएगा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? So अगर कोई भी point charge के लिए कर रहे थे तो निकाल लिया। So point charge है q. R distance पे what will be b is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square। इसको अगर मैं capital R लिखा तो आप इसको capital R करके ऐसे लिख r square नहीं r q upon 4 pi epsilon naught r ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ठीक है। अगर r है तो आप b is equal to q upon 4 pi epsilon naught r ऐसे करके लिखेंगे। क्या है इसमें assumption है कि जो reference point है वो आपका इनफाइनाइट है और उस रेफरेंस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जीरो है ठीक है, तब जाके आप उसको ऐसा लिख सकते हो ठीक है। सो पोटेंशियल एट दिस एट एनी पॉइंट पी, पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट पे इज नथिंग बट वर्क डन
इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट से लेके कोई यूनिट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से लेके यहां पर पोजीशन करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज। नाउ मूव करते हैं लाइन चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज, लाइन चार्ज जो है इनफाइनाइट एक्सटेंट। ठीक है, जो भी रो एल गुणा पर मीटर स्क्वायर उसमें है। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने जा रहे हैं दो पॉइंट के बीच में। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो, ये अपन ने कैलकुलेट किया हुआ था, है ना। अब हमको देखना है पोटेंशियल कैसे निकालते हैं पोटेंशियल। तो उसके लिए अगेन एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, इस तरह से एक वायर है। ठीक है, ये कोई दो, ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई पॉइंट है ए। तो बी से लेकर ए तक ऐसे जाएंगे तो इन दोनों के बीच मतलब बी ए और बी बी क्या रहेगा वो निकालना है। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं, ये तो डिस्टेंस है, ये रो बी है और यहां से यहां ले लेते हैं रो ए का ऐसा। ठीक है, सो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज रिटन एज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है वी टू ए टी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए डीएल वेक्टर जो है हम किसमें आ गए, जब कभी भी वायर है तो हम सिलेंड्रिकल क्वाड्रेंट, ये जो सिलेंड्रिकल क्वाड्रेंट है रो ए रो बोले मतलब सिलेंड्रिकल में, इसमें डीएल वेक्टर है कैसे लिखते हैं d rho a rho plus rho d phi a phi plus d z a z a z। ठीक है, अब चूंकि e वेक्टर मेरा a rho डायरेक्शन में है तो ये मेरा ये मतलब नहीं है, है ना, ये आगे भी जीरो हो जाएगा। e वेक्टर जैसे आप यहां पे लिखोगे दिस क्वांटिटी इज दैट इज इक्वल टू माइनस b टू a rho l अपॉन 2 pi epsilon naught a rho dot dl वेक्टर। ठीक है, तो a rho dot अगर ये फाइंड करोगे तो जीरो हो जाएगा, a rho dot a dot करोगे जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो a rho dot a rho बन आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ba minus bb is equal to minus b2a। तो b पे हमारा डिस्टेंस है rho b और यहां पे rho a उसको लिख दिया लिमिट को। ठीक है, माइनस तो ये आ गया आपका rho l upon 2 pi epsilon naught rho a rho dot a rho सिंपली बना जाएगा तो जीरो ऐसा कर। ठीक है, ये सिंपली आ गया VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइन चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइन चार्ज विल बी दिस। तो ये आप जो है ना कॉमन आप निकाल लीजिए माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या जाएगा सिंपली क्या जाएगा डी रो बाय रो ऐसा। ठीक है, तो d rho by rho मतलब 1 by rho का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है दैट इज log rho, log base of 10 rho लिमिट रखेंगे तो दैट इज rho b rho a। ठीक है, तो log rho a minus log rho b करेंगे तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दैट इज minus rho l upon 2 pi epsilon naught दैट इज log a, log a minus log b is लागे माइनस लाग बी लागे बाई बी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो रो ए बाई रो बी ऐसा। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ये लाइन चार्ज के लिए आपने निकाल लिया ये दो की, ये जो दो पॉइंट दिए हैं जो रो एल रो बी है पॉइंट का डिस्टेंस वायर से, ये रो एल वायर है क्योंकि टुवर्ड डेड एक्सिस प्लेस है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसके कारण जो बनेगा BA माइनस BB कितना बना माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस 10 रो ए बाई रो कितना बना। तो ये आ गया आपका लाइन चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, अब ये लाइन चार्ज के लिए एग्जाम में आते हैं ये सब लाइन चार्ज है कहीं भी जेड एक्सिस एक्स एक्सिस कहीं भी और दो दो पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल हुआ, तो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके लिए। तो ये हो गया ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट हो गया ये आपका लाइन चार्ज। अब आ जाते हैं हम लोग सरफेस चार्ज। ठीक है,
सो नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू यूनिफॉर्म स्विच ऑफ चार्ज रोएस कूलर पर मीटर स्क्वायर इनफाइनाइट इन एक्सटेंट इनफाइनाइट शीट के केस में ठीक है। इस तरह से कोई एक इनफाइनाइट शीट है ऐसा ये एक डायरेक्शन यूनिट ले लीजिए या रेडियस इसको हम एज डायरेक्शन ले लेते हैं ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है क्या होता है दैट इज रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन। अगर ये रो एस है ठीक है जो कि इक्वल टू जीरो प्लेन में एक्स वाई प्लेन में रखा हो तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पर्टिकुलर कोई पॉइंट है तो ऊपर की तरफ रहता है ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई दो पॉइंट है ऐसा ए और बी तो मैं बिठा देता हूँ कोई दो पॉइंट है दिस इज ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट है ना। तो बी तो इसको आप जो है यहां से कह सकते हो जेड ए हो गया और जेड बी लेफ्ट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन दो पॉइंट है ए और बी तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो बी ए बी इट इज नथिंग बट माइनस बी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ठीक है। तो दैट इज माइनस बी कहां पर है सो इसको हम जेड बी है उसका पॉइंट और जेड ए है बी वेक्टर क्या है दैट इज रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए जेड डायरेक्शन में डॉट डी एल वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में है तो आप क्या लिखोगे डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड लिखोगे ऐसा है ना। लेकिन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई कंपोनेंट लिखने का मतलब नहीं है आप सिंपली लिखोगे डी जेड ए जेड ऐसा बाकी जीरो हो जाएगा। सो व्हाट ए जेड इज ए जेड वन सो यू विल हैव दिस क्वांटिटी दैट इज सिंपली डी जेड ऐसा ठीक है। तो जेड इसका इंटीग्रेशन करेंगे so minus rho s by 2 epsilon naught that is simply z and that is z a or z b तो ये आ गया आपके पास b a minus b b potential difference between two points b a and b b यहाँ पे b a है and यहाँ पे b b है ऐसा। तो potential difference between two points you will have minus rho s upon 2 epsilon naught that is z a minus z b ऐसा इस तरह से आप लिखोगे। तो एक क्वेश्चन आता है पोटेंशियल निकालना पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ठीक है। अब हम देखते हैं ये तो जो नोन केस था अगर कोई अननोन केस आ गया जैसे रिंग हो गया डिस्क हो गया उसके लिए है ना रिंग हो गया डिस्क हो गया तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पोटेंशियल वी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना। एक दो तक होंगे जो है क्यू जो है चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज नहीं है इट कैन बी लाइन चार्ज ये लाइन चार्ज हो सकता है ये सरफेस चार्ज हो सकता है इट कैन बी वैल्यू है ना मतलब आपको रोएल दिया हो रोएस दिया हो और रोवी दिया हो ऐसा कूलम पर मीटर में कूलम पर मीटर स्क्वायर में कूलम पर मीटर क्यूब में ये तो इनफाइनाइट केस का मेरे को पता था फाइनाइट केस का तो पता नहीं होता है ना। तो कैसे करोगे आप जो है कैसे निकाल उसके केस में देखते हैं। तो जब कभी भी अगर ऐसा हो तो हम जैसे हमको लाइन चार्ज दिया हो सपोज ऐसा तो इसमें क्या करेंगे छोटे से लेंथ में डीएल लेंथ में डी क्यू निकालते हैं ऐसा तो इसको फर्स्ट पॉइंट लेते हैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे निकालना रहेगा उस पॉइंट को पी बोलेंगे यहाँ पे तो हम क्या लिखते हैं डीवी लिखते हैं ड्यू टू डी क्यू ऐसा तो ये आप लिखोगे डीवी इज इक्वल टू कहाँ पे आर डिस्टेंस पे ऐसा तो ये आप लिखोगे डी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसा ठीक है। और टोटल भी अगर आपको चाहिए रहेगा वी होल
होल वायर के लिए है ना, ये सिर्फ dq पार्ट के लिए था, बीच ये रहेगा जिसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं dq, तो यहां पे dq जो है आप लिखोगे जब कभी आपको rho l दिया है तो rho l dl ऐसा कर, जब rho l दिया रहेगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर तो rho l dl ऐसा करके आप निकालोगे, दैट इज 4 by epsilon r। अब यही मेरा हो सकता है ऐसा शीट फॉर्म में दिया कोई फाइनाइट या डिस्क फॉर्म में दिया, तो एक छोटा सा पैच निकालते हैं ds उसके कारण यहां पे dq है ऐसा, तो किसका जो सेकंड पॉइंट कोई पी है वहां पे निकालते हैं ऐसा, तो इस केस में हम कितने हैं ऐसा v = डबल इंटीग्रेशन rho s ds ऐसा q dq is rho s ds ऐसा, सो दैट इज 4 by epsilon not r ऐसा करके लिखो गया, ठीक है। अगर यही वैल्यू से इंटीग्रेशन हो तो आप जो v है उसको ट्रिपल इंटीग्रेशन करके कर देते हैं, सो दैट इज rho v ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 4 by epsilon not r ऐसा, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बताएंगे आप लोगों को, तो पोटेंशियल भी आप उसी तरीके से निकालेंगे उसको, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग रिंग और डिस्क, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे जितने भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हेडिंग है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग हैविंग यूनिफॉर्म रो एल कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो ये कोई रिंग ले लेते हैं ऐसा, दिस इज अ रिंग, ये रिंग है एक्स वाई प्लेन में ले लिया है उसको, दिस इज अ रिंग, एक रिंग है ऐसा, ये जेड एक्सिस है, यहां कहीं हमको निकालना है, एक पॉइंट पी है यहां पे हमको निकालना है पोटेंशियल एक पॉइंट पी, ठीक है। तो इसका जो है रेडियस है, सपोज दिस इज ए है रेडियस, रेडियस रेडियस इज ए स्मॉल है, हम अज्यूम कर लेते हैं, और इसमें जो है रो एल कूलम्ब पर मीटर चार्जेस है, तो यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्या कर रहे हैं हमने आपको बताया, तो फर्स्ट पॉइंट यहां ले लीजिए, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यहां पे एक dl ले लेते हैं ऐसा, तो ये क्या रहेगा, दिस इज अ a रो और ये हमारा रहेगा होता है d phi, तो dl की वैल्यू क्या रहेगा, रो d phi होता है, बट रो इज हियर a a a a डिस्टेंस पे लेकर रखा है, तो a d phi ऐसा लिखते हैं। तो इस पे अगर चार्ज dq है ऐसा, तो किसके कारण ये हम फर्स्ट पॉइंट ले लिया, इसके कारण ये सेकंड पॉइंट पे ऐसा, तो सपोज ये r डिस्टेंस है जो कि z डिस्टेंस यहां से ऐसा है उस पे, ठीक है। सो r जो है आपने जो है निकाला होगा यहां पे r = टू वेक्टर जैसे निकालते थे r वेक्टर है ना, तो ये आपका क्या आता था z a z - rho a rho करके है ना, z a z - rho a rho, सो कि rho इज a a rho, सो r जो आता था दैट इज z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा अंडर रूट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज a दिस इज z, सो r इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो r, तो आप क्या लिखोगे दैट इज dE ड्यू टू dq dV, अभी v निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एट p है ना, एट p, एट p की बात कर रहा dV, ठीक है। सो dV ड्यू टू dq, तो क्या लिखते हो आप, dV इज इक्वल टू dq upon air में है 4 pi epsilon not r simply मैंने कहा, और due to whole ring की बात होगी, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं हमारे CSV ड्यू में, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम में भी आता है। सो ड्यू टू होल रिंग बोले तो v को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज dv ऐसा, तो dq क्या लिखोगे आप, सो dq इज क्या लिखते हैं, जब कभी भी rho l दिया है तो rho l dl, सो दिस इज rho l, dl इज व्हाट a d phi, so आप उसको पूरा लिख दीजिए, so dv is equal to rho l dl and dl is equal to a d phi divided by 4 pi epsilon naught under root of r value is z square plus a square, z z पे निकालना है, so v at point p axis पे, axis of this ring axis पे निकालते हैं, ठीक है। so you will have या क्या आपके पास आंसर 1 upon 2 epsilon naught, ये phi है, तो phi जो है 0 से लेके 2 pi करें,
ठीक है, तो फाइव सिंपली फाइव आ जाएगा, लिमिट रखोगे टू पाई तो टू पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, टू चला आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया दैट इज रो एल इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. सो ये पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू अ रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जाएगा है ना, वो पोटेंशियल निकाला. So, rho l into a upon 2 epsilon naught z square plus a square under root 8z. If z is h, तो यहाँ पे h कर सकते हो. अगर z h दिया है, तो आप h लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से. तो h height पे towards axis, h वाले plane में रखा है, तो यहाँ पे उसके towards axis, h height पे potential इतना होगा. ठीक है, ये हो गया ring के कारण. Now next है देखते हैं disk. आज पूरे डेरिवेशन का भी अपन ने डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो भी डेरिवेशन ही देखना है. अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क हैविंग रो एस कूलम पर मीटर स्क्वायर फाइनाइट केस, फाइनाइट केस है ना, फाइनाइट केस जिसका रेडियस है a, तो रेडियस इज स्मॉल a. तो आप सेम वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे एक सरफेस लेंगे, तो अगेन एक आप जो है एक सरफेस ले लिया इस तरह से, थोड़ा इसको और मैं बड़ा बना देता हूं इस तरह से, ये z एक्सिस हो गया. यहाँ कहीं एक पॉइंट पी जो है वहां पे निकालना है अपने को, जो x अगेन x y प्लेन में लिया है वेयर z इज 0. तो यहाँ पे अब हमें रो एस दिया, ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क नॉट अ रिंग. तो यहाँ पे हमको रो एस दिया रहेगा, अगेन हिज रेडियस इज a स्मॉल a, ठीक है स्मॉल a उसका रेडियस है. तो इसके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल कितना है ना, ये हमको निकालना है. अगेन क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे r डिस्टेंस पर एक छोटा सा रो डिस्टेंस पर एक आपको ले लेते हैं सरफेस ले लेते हैं ऐसा. तो ये रो है और ये डी फाई होता है, हमने पढ़ाई है ये. तो इस तरह से जो सरफेस बनाना है ऐसा, तो ये डी रो बन रहा है और ये आपका रो डी फाई बन रहा है ऐसा. तो जो डी एस है वैल्यू दैट इज डी रो एरिया सरफेस पैच. सरफेस कभी भी दिया तो डिफरेंशियल सरफेस लेंगे, तो ये डिफरेंशियल सरफेस डी ओ रो डी फाई ये बनता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ रो डी फाई, तो ये बनता है रो डी ओ डी फाई ऐसा बनता है. ठीक है, तो इस पे डी क्यू अगर चार्ज है, इस पे डी क्यू चार्ज है, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे निकालना है ऐसा. तो दिस इज सेकंड पॉइंट, इसको हम लोग आर वन टू बोल सकते हैं, दैट इज आर. तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी बी ड्यू टू डी क्यू, डी क्यू के कारण. तो दैट इज डी बी इक्वल टू क्या लिखोगे, डी क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू, या उसी को आर लिखोगे आप. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू डी क्यू को क्या लिखोगे आप, रो एस डी एस डी क्यू है ना. इसमें चार्ज कितना होगा, रो एस कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो डी क्यू बाई डी एस इज रो एस. तो डी क्यू इज रो एस डी एस अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसा. ठीक है, सो दैट इज अब टोटल पूरा ड्यू टू होल डिस्क, ड्यू टू होल डिस्क, पूरा होल डिस्क के लिए अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, इसको v इज इक्वल टू ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या जाएगा रो एस डी एस की वैल्यू रख दीजिए, क्या बताया था मैंने रो डी रो डी फाई, और यह आ जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट. ये तो वही रहेगा सेम r जो है r यहाँ पे दैट इज a स्क्वायर की जगह यहाँ पे रो स्क्वायर आएगा, रिमेंबर. सो ये आ गया रो स्क्वायर प्लस j स्क्वायर ऐसा. ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं r1 वेक्टर ऐसा, तो r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर लिख देते हैं ना. तो दिस इज रो a रो ऐसा प्लस r12 वेक्टर एंड दिस इज j a j ऐसा. तो ये बनता था आपका r वेक्टर दैट इज इक्वल टू दैट इज r12 वेक्टर इज इक्वल टू j a j माइनस रो a रो ऐसा, इस तरह से लिखते थे है ना. सो दैट इज r इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, ये आ गया.
ये चीज आ गया, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? So that you have to solve this. B ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको सॉल्व करेंगे हम. So B is equal to double integration कहाँ से रो और फाइव. तो दिस क्या था, रो जो है डिस्क का, रो जो है रेडियस जीरो से लेके ए तक है ना, तो ये लिख रहा हूँ रो इज फ्रॉम जीरो से ए तक. और फाइव जो है पूरा कंप्लीट डिस्क का होगा जब टू पाई तक जाएगा ऐसा. So, 0 से 2 पाई ये नया नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कर चुका हूं वही काम कर रहा हूं, बट वी आर आई कैलकुलेटिंग बी, बट कांसेप्ट वही रहा है ना. तो रो एस रो बी रो डी पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर ऐसा. तो पहले पाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो पाई और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली रो वेरीज फ्रॉम 0 टू ए है ना, 5 2 पाई आ जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा रो एस रो बी रो अपॉन 2 पाई भी आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करना है. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिस्क केस में, ठीक है? सो यू हैव टू सॉल्व दिस. तो यहां पे आप अज्यूम कर लीजिए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सम अदर कांस्टेंट ए स्क्वायर, तो यहां सॉरी रो स्क्वायर, रो स्क्वायर है, रो स्क्वायर है, तो यहाँ पे रो डी नो इज इक्वल टू के डी के आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, सो वी इज इक्वल टू एट पॉइंट पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो एस दैट इज रो डी नो इज के डी के एंड दिस इज के स्क्वायर, सो दिस इज सिंपली के आया, तो के कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस इज सिंपली डिवाइडेड बाय नीचे इंटीग्रेशन सिंपली के, सो दिस इज रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर अंडर रूट. अब यहां पे लिमिट k के टर्म में नहीं लगा रहा हूं मैं रो के लिए, तो रो दैट इज 0 टू a, ठीक है? तो यहां पे आप रो की लिमिट रख दीजिए एंड यू विल हैव आंसर. k के टर्म में भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम है, k के टर्म में लिखते तो भी वही आएगा. सो पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? आप a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सो दैट इज z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट माइनस और रो जीरो करेंगे, सो दिस इज z. ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया. सो z इज h है तो h कर सकते हो आप, h लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस करके टुवर्ड्स एक्सिस में यू विल हैव पोटेंशियल, दिस इज रो एस. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है पोटेंशियल को. तो ये हो गया, सारी चीजें पढ़ लिया अपन ने, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज इन फाइनाइट केस, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज इन फाइनाइट केस, पोटेंशियल ड्यू टू रेन, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क. ये पांचों का पांचों केस अपन देख लिए. अब किसी फॉर्मूले से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है ना, तो कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? या कॉम्बिनेशन आप ये जो दिए हैं उसमें से कुछ भी चीज रखा जा सकता है किसी भी अलग अलग पॉइंट पे, और दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं. तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो.